भारत को मिली आजादी में शहीदों की कहानी पूर्ण करने वाले शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर उनके साथ ही शहीद राजगुरु के भतीजे प्रशांत राजगुरु एवं शहीद सुखदेव के नाती अपने एक दिवसीय प्रवास पर भिलाई पहुंचे, जिनसे ग्रैंड एशियन न्यूज ने विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। आइए देखते हैं इस विशेष बातचीत के खास अंश। मेरा रंग दे बसंती चोला, यह गीत आप सभी ने सुना होगा। यह गीत सुनते के साथ उन तीन शहीदों की याद आती है जो आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं, और उनको याद करके एक ज्वाला हमारे सीने में जलती है। वो नाम है शहीद भगत सिंह, जिनका आज जन्म दिवस है, और उनके साथी शहीद राजगुरु और शहीद सुखदेव। आज हम खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज शहीद राजगुरु और सुखदेव, शहीद सुखदेव के परिवार से कुछ लोग हमारे बीच में हैं, उनके वंशज हैं। आज हम उनसे बात करेंगे कि शहीदी का दर्जा पाने वाले राजगुरु और सुखदेव, इनके परिवार में ये जन्मे हैं, कैसा लगता है और क्या फील करते हैं। हमारी दाईं ओर बैठे हुए हैं शहीद सुखदेव जी के नाती विशाल नैयर जी। पहले हम इनसे बात करते हैं, उसके बाद फिर हम हमारी बाईं ओर बैठे हुए राजगुरु जी के भतीजे प्रशांत राजगुरु जी से। तो पहले बात करते हैं विशाल जी से। विशाल जी, सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके चैनल और आपके जो चैनल की आवाज़ से जो हमारी जो मांगे हैं, जो हमारा दुख है, दर्द है, वो सरकारों तक पहुंचाते हैं, वो आपका धन्यवाद। विशाल जी कह रहे हैं कि इतने बड़े शहीद परिवार में जन्म लेने के बाद भी दिल में इनके कुंठा है आज के सरकार की नीतियों को लेकर के, जानते हैं क्या चाहते हैं ये। विशाल जी बताएंगे कि जो आपने बोला कि कुछ बातें पहुंचानी है, क्या ऐसी बातें हैं जो आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हम आज भिलाई में आए हैं, छत्तीसगढ़ जो की राजधानी है रायपुर में। तो आज रंग दे बसंती ग्रुप द्वारा जो शहीद भगत सिंह जी के जन्म दिवस पे आज एक यात्रा निकाली जा रही है, सबसे पहले तो मैं उनकी टीम का, दिलराज जी का और उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे नौजवान लोग जो भगत सिंह जी की सोच पे चल रहे हैं, मैं उनका सदा आभारी रहूँगा। और सरकारों से कहना चाहता हूँ कि मैं और मेरे साथ राजगुरु जी के परिवार से कल से हम लोग यहाँ आए हुए हैं, कोई ज़िले का अधिकारी, कोई सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा, हम आज 24 घंटे से ऊपर होने वाले हैं और भिलाई में बैठे हैं, कोई एक भी अधिकारी हमसे मिलने नहीं आ रहा। ये एक नेगेटिव जो है सरकार की ओर जा रही है कि एक तरफ तो आप शहीदों के जन्मदिन मना रहे हैं, उनके शहादत दिवस मना रहे हैं, और इन शहीदों के परिवार से दो परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और उनसे मिलने अभी तक ना तो कोई विधायक, ना कोई मेयर, ना कोई कलेक्टर, ना कोई SDM, मतलब सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया। बहुत बड़ी विडंबना है, 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इन्हें भिलाई में आए हुए, और अभी तक सरकारी महकमे का कोई भी नुमाइंदा यहाँ तक इनसे मिलने नहीं आया है। क्या सोचते हैं कि ये जो आज हो रहा है, सरकारें जो हैं, राज्य सरकार हो गई, केंद्र सरकार हो गई, मतलब कहीं ना कहीं आप ये सोचते हैं कि शहीदों का दर्जा, शहीदों का सम्मान खत्म हो चुका है? देखिए, सबसे पहले तो शहीदों को शहीदों का दर्जा ही नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ तो सरकारें शहीदी दिवस मना रही हैं, जन्म दिवस मना रहे हैं, तो एक तरफ सरकार कहती है कि इनको तो जब इनको फांसी दी गई थी तो इनको आतंकवादी कहा गया, या तो ये आतंकवादी हैं या ये शहीद हैं, ये तो फैसला पहले, सबसे पहले सरकार करे कि ये है क्या। अगर इनको शहीद का दर्जा देना है तो 75 साल हो गए आज़ादी को,
तो आज तक इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिल पाया? कि ऐसा भगत सिंह या कोई राजगुरु या कोई सुखदेव आज तक राज्यसभा में विधानसभा में कोई पैदा नहीं हुआ कि इनको कोई शहीद का दर्जा दे सके। या तो ये राजनीति कर रहे हैं या ये शहीदों के साथ मतरेया व्यवहार कर रहे हैं या इनके ऊपर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब वो तो सरकार ही बता पाएगी कि ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि इनका कहना है कि शहीदों को शहीदों का दर्जा तक नहीं मिला है, सिर्फ सरकारें अपने मुंह से इन लोगों को शहीद कहती हैं लेकिन दर्जा अभी तक नहीं मिला है। हम अगली बात करेंगे प्रशांत जी से, जो कि राजगुरु जी के भतीजे हैं। बताएंगे, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि भिलाई आकर के आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया लगा भिलाई आके। सर्वप्रथम मैं ये जो आयोजक है रंग दे बसंती ग्रुप के दिलराज सिंह जी है, गुरमीत सिंह जी है सॉरी उनका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और उन्होंने बहुत ही अच्छा ख्याल रखा है, भिलाई आके हम खुश हैं। जो हम चर्चा कर रहे हैं शहीदों की, जाहिर सी बात है आप खुद को गौरवान्वित महसूस करते होंगे, इस परिवार से हैं आप, एक शहीद परिवार से हैं, आपको क्या लगता है आज शहीदों को लेकर के सरकार की जो रणनीतियां हैं वो राजनीति है या क्या बोल सकते हैं इसको? एक तो हम उस परिवार से है इसका बहुत ही गर्व महसूस करते हैं। राजनीतिक जो आपने बात कही तो मैं एक बताना चाहता हूँ कि आजकल का ये दौर ऐसा है कि हर एक आदमी को, हर एक ये जो शहीद थे या बड़े बड़े जो लोग इतिहास में होके गए उनको अपने अपने हिस्से में बांटने का एक दौर चालू हुआ है। यानी जैसे मैं महाराष्ट्र से आता हूँ तो छत्रपति शिवाजी महाराज को एक कम्युनिटी ले रही है, बाबा साहेब अम्बेडकर को एक कम्युनिटी ले रही है, वीर सावर जी को एक कम्युनिटी ले रही है। ये जो लोग हैं वो उससे बहुत परे है, वो उससे बहुत ऊपर है। मुझे लगता है भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी, मदन लाल धिंगरा जी, ये जो जिन्होंने शहादत दी वो अभी तक, अच्छी बात है कि अभी तक वो बटे नहीं है, किसी पार्टी ने उनको लिया नहीं है। तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि सर्वानुमति से शहीद का दर्जा दिया जाए, आत्मसम्मान से उनको सराहा जाए। जैसे आप किसी पॉलिटिकल को एक अटेंडेंस देते हैं तो उनके जो वंशज है, हम हैं या बाकी के जो भारत में फैले हुए जो क्रांतिकारक हैं उनको नवाजा जाए। अभी मैं एक थोड़ा सा एडिशन करना चाहता हूँ, पिछले साल लाल किले पे जो 75वां स्वतंत्र दिन हुआ तो वहाँ लाल किले पे पहली बार 25 क्रांतिकारियों के फोटो ऐसे लगाए हुए थे जो आज तक 75 साल में कभी भी हुआ नहीं, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में किया। उन्होंने शब्द वहाँ बोलते वक्त जो शब्द निकाले थे उन क्रांतिकारियों का पहले कभी भी लाल किले से जिक्र हुआ नहीं था। तो मैं सोचता हूँ कि क्रांतिकारकों को भी इन लोगों ने बांटा है क्या कि एक ही लोग, एक ही कम्युनिटी के लोग उनका नाम ले रहे हैं, एक कम्युनिटी के लोग पर्पजली उनका नाम अवॉइड कर रहे हैं, वो क्यों? वो तो सबसे परे है, ऐसा होना नहीं चाहिए, यही अपेक्षा है। साफ साफ कहना है कि जो शहीद हैं, जो संत हैं, हर एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है उसे आज बांटा जा रहा है। लोग जो कम्युनिटियां हैं वो अपना अपने देख करके वो उसे अपना बोलती हैं और बाकियों को छोड़ देती हैं। जाहिर सी बात है गलत चीज़ है ये, और प्रशांत जी का भी कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रशांत जी, आज भी स्कूलों में जो हमारे शहीद हैं, भगत सिंह जी हैं, राजगुरु जी हैं और सुखदेव जी हैं, इनकी कहानियां पढ़ाई जाती हैं क्योंकि इनके बगैर इतिहास पूरा होता नहीं है। लेकिन उसके बावजूद आज का युवा उनके विचारधारा पे चलने की बातें तो कहता है लेकिन आज चलता है पाश्चात्य संस्कृति पर। क्या मानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए कि एक कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड, आपके नज़र से हटता है तो आपके मन से भी हटता है। तो प्रसार माध्यमों का, ये सब लोगों का एक ये दायित्व है कि ये जो तरुण पीढ़ी है उसके सामने हमारा जो इतिहास है, हमारे जो लोग हैं उनका कर्तृत्व जो है वो बार बार लाया जाए।
ये मैं अपेक्षा करता हूँ। वो जैसे एक 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 रिपीटेशन बढ़ेगा, उनके सतत ध्यान में रहेगा, ख्याल में रहेगा, वैसे उनका आचरण बदलेगा। पालकों की कितनी बड़ी भूमिका है कि वे हमारे देश के शहीदों को याद रखें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, पालकों की क्या जिम्मेदारी बनती है? निश्चित ही पालकों की जिम्मेदारी है, इसलिए खुद पालकों को भी बहुत ही अलर्ट रहना जरूरी है। ये सब लोगों का ज्ञान चाहिए, उनका पुनर्उल्लेख हर दिन अपने फैमिली में करते होना चाहिए, उनके कर्तृत्व के दाखले देने चाहिए, वो कौन थे, क्या थे, उन्होंने कैसे किया, कौन से परिस्थिति में कैसा उन्होंने निर्णय लिया, वो परिस्थिति उन्होंने कैसे संभाली, उसका समाज को देश को कैसा फ़ायदा हुआ, ये बार बार पालकों ने अपने बच्चों को समझाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि सामर्थ्य दिखाने के लिए भी संधि आना चाहिए। भले आज आपको देश के लिए प्राणार्पण करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप क्या निजी व्यवहार से, जिसे मैं हमेशा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बोलता हूँ, कि आप अच्छी सी शिक्षा लें, अच्छा सा आपका करियर करें, अच्छी संगत में रहे, इससे आपका परिवार बढ़े, परिवार सुजला सुफला होगा, परिवार से समाज होगा, समाज से देश होगा। तो ये जो बात है, ये परिवार वाले हो, स्कूल हो, शालाएँ हो, यहाँ हर बार ये बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। प्रशांत जी का कहना है कि हर कम्युनिटी, चाहे स्कूल हो, परिवार हो, या कोई भी बच्चा जो भी जहाँ से सीखता है, उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि इतिहास को वह बार बार दोहराएं, ताकि हमारे बच्चे जो हमारे शहीद हैं उनको भूले नहीं। मैं फिर से आऊँगा विशाल जी के पास में। विशाल जी, नशा आज युवाओं का एक पैशन हो गया है। हर वो युवा अपने आप को बेहतर बताता है जो महंगे से महंगा नशा करता है। नशे की गिरफ्त में फंसते जा रहे हैं, दोष किसको देंगे? ये दोष सरकारों का है। ये नशा आ कहाँ से रहा है? इतनी खुफिया एजेंसियाँ सरकार के पास है, बॉर्डर से नशा रातों रात चल के तो आ नहीं रहा। अगर बॉर्डर से भी नशा अगर हमारे देश में आ रहा है, तो वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसियाँ क्या कर रही हैं? अगर वहाँ से हथियार भी हमारे देश के अंदर आ रहे हैं, तो वो भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ अलर्ट हैं, चाहे वो CID है, इंटेलिजेंसी है, और बड़े बड़े ऐसी एजेंसियाँ हैं जो सरकार को हर चीज़ के बारे में बताती हैं। तो वो एजेंसियाँ किस लिए हैं? कोई कहता है नशा हमारे पास के राज्य से आ रहा है। अगर पास के राज्य से आ रहा है, तो आपके तो राज्य के बाहर हर टाइम नाके लगा कर बैठते हो। अगर नाके लगे हुए हैं, गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, तो वो नशा कैसे आ रहा? नशा आ रहा है क्योंकि सरकारें खुद नशे को बढ़ावा दे रही हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि एक तरफ तो शराब के ठेके खोले जा रहे हैं, पान की दुकानों पे सिगरेट, तंबाकू और वो सब नशा बिक रहा है, ये बंद कर देने चाहिए। सरकारें खुद तो नशा बिकवा रही हैं, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, क्योंकि जब तक नौजवान नशा नहीं छोड़ेगा, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। युवा जब तक नशे का त्याग करके देशभक्ति का नशा नहीं करेगी, जब तक हमारी युवा पीढ़ी, और वो आगे अपने बच्चों को क्या संस्कार देगी, क्योंकि जब तक वो खुद देशभक्ति का नशा नहीं करेगी, जब तक वो आगे अपने बच्चों को नहीं बता पाएगी कि ये वो शहीद हैं जिनकी बदौलत आज हम आज़ादी का आनंद मान रहे हैं और खुली हवा में सांस ले रहे हैं। विशाल जी का कहना है कि देशभक्ति के नशे से बढ़कर कोई भी नशा नहीं है। एक आखिरी सवाल लेते हैं। डिजिटल इंडिया, आज डिजिटल इंडिया कहा जा रहा है, भारत ने बहुत तरक्की की है, सब कुछ सभी चीज़ों का डिजिटाइजेशन हो गया है। एक वो भारत था जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए देशभक्ति का नशा लेकर के शहीदों ने अपनी जान गंवाई, उसके बाद का वो आपने सुना है, और आज का भारत देख पा रहे हैं, दोनों भारत में क्या फ़र्क लगता है आपको? देखिए, जब 1947 से पहले की बात करूँ, तो हर एक नौजवान के अंदर इंकलाब का जोश था, देशभक्ति का जोश था। आज वो नौजवान कहाँ चले गए? राजनेताओं ने युवाओं को
राजनीति का एक ऐसा झांसे में उनको पकड़ रखा है कि हर एक व्यक्ति कहता है मैं राजनीति में जाऊं, पर देशभक्ति की तरफ जाने के लिए कोई बच्चा तैयार नहीं है। क्योंकि जब तक स्कूलों में, स्कूल की किताबों में, जब तक युवाओं को हमारे देश के शहीदों के बारे में नहीं पढ़ाया जा सकेगा, जब तक युवा बच्चे जागरूक नहीं होंगे, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाएगा। मतलब आप साफ कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश आज भी गुलाम है, पहले अंग्रेजों के गुलाम थे पर आज तो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। आज किसकी गुलामी कर रहे हैं? आप मानते हो कि हम आज भी आज़ाद मुल्क में घूम रहे हैं? नहीं, कहने को तो आज़ादी है। नहीं, कहने को है ना, मैं तो फिर कह रहा हूँ कि गोरे अंग्रेज चले गए, काले आज भी हमारे देश में बैठे हैं, घोटाले हो रहे हैं। वैसे तो कहते हैं हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, अगर सेवा करनी है तो फिर तनख्वाह किस बात की ले रहे हैं? ये घोटाले क्यों हो रहे हैं? आप किसी भी राज्य की बात ले लो, अब मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। अभी पीछे कोई 3-4 मैंने टीवी चैनल में देखा था, यहाँ पे कोई 400 करोड़ का कुछ घोटाले की बात मैंने सुनी है। तो घोटाले तो देखिए हो रहे हैं ना, वो किस लिए हो रहे हैं? क्या एक विधायक को 50,000 रुपया या 1,00,000 रुपया तक गवाह मिलती है, क्या उससे उसके घर का गुजारा नहीं चलता जो ये घोटाले करने पड़े? एक IAS ऑफिसर या एक IPS ऑफिसर जब एक कुर्सी पर बैठता है, एक शपथ लेता है कि मैं देश की और लोगों की सेवा करूंगा और निरपक्ष सेवा करूंगा, मैं ना तो कोई रिश्वत लूंगा, वो फिर किस लिए हम लोग जाके वहाँ कस्में खाते हैं कि हम देश की सेवा को, अपना जो जीवन है वो देश को अर्पण करेंगे? जो पहले 1947 से पहले की बात करूं, अगर शहीदों की बात करूं, 77 सेनानियों की बात करूं, क्या उस टाइम पे ऐसी बातें थी? वो तो सिर्फ अपने देश की आज़ाद कराने के लिए सिर्फ उन्होंने सौगंधे कही थी। कराने को तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी अपनी शादी करा सकते थे, पर नहीं, उनके अंदर देश को आजाद कराने के लिए एक जुनून था। आज जुनून उनके अंदर क्या है? सिर्फ पैसा कमाना, कि मैं कुर्सी पर बैठ जाऊं और पैसा कैसे मेरे घर के अंदर आए, सिर्फ ये जुनून उनके अंदर है। भगत सिंह के बारे में सोच का मैं कहता हूं, किसी राज्य में भी क्या विधानसभा में कभी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी की कभी बात हुई है? कभी कोई चर्चा उन्होंने विधानसभा सत्र में कभी कुछ छेड़ा है? कभी जन्म दिवस पे क्या इनको कभी विधानसभा, राज्यसभा में श्रद्धांजलि दी गई है? खाली चौराहों पे जो इनके बुत लगाए जाते हैं, वहाँ श्रद्धांजलि देने से पहले विधानसभा और राज्यसभा में इनको श्रद्धांजलि दी जाए। कल को कोई विधायक, कोई गवर्नर, कोई मंत्री, अगर कोई मेंबर पार्लियामेंट अगर किसी बीमारी से या कुछ भी करके उनकी मृत्यु होती है, हो जाती है, तो विधानसभा सत्र में शुरू होने से पहले श्रद्धांजलि दी जाती है। तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मदनलाल ढींगरा, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला लाजपत राय, इनकी शहीद ऊधम सिंह जी, इनकी जो शहीदी थी या इनके जन्म दिवस पर, वहाँ श्रद्धांजलि क्यों नहीं दी जाती? विशाल जी का साफ कहना है कि आज शहीदों को जो युवा भूलते जा रहे हैं वो साफ साफ सरकारों की गलतियां हैं। एक बार प्रशांत जी से भी पूछेंगे, कल का भारत, आज का भारत। आपने जो डिजिटल इंडिया के बारे में जो पूछा, तो डिजिटलाइजेशन ये अभी आगे के दौर का एक अनिवार्य और अपरिहार्य घटक है। व्यक्ति जिससे बना हुआ है, जो दो पैर है, एक पैर है विज्ञान का और एक पैर है अध्यात्म का। अध्यात्म से हम पिछले सदी में चल रहे थे, हम ऐसा बोल सकते कि स्वतंत्रता तक एक अध्यात्म हमारा एक मुख्य दौर था। अभी विज्ञान है, दोनों को साथ चल के उसमें ही हमारी प्रगति है। ये थे हमारे बीच में सुखदेव जी के नाती विशाल नैयर जी और राजगुरु जी के भतीजे प्रशांत जी। साफ साफ कह रहे हैं डिजिटाइजेशन ज़रूरी है, लेकिन डिजिटाइजेशन होने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं गलत है। यही कारण है कि आज भारत देश में शहीदों का मान सम्मान
सिर्फ आज चौक चौराहों तक ही सीमित रह गया है। सरकारें मूर्तियां लगा देती हैं और जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके अनुयायी हैं, वो भी उन्हें सिर्फ साल में दो ही दिन याद करते हैं, एक उनके जन्मदिवस पर और एक पुण्यतिथि पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे आपने हमारे चैनल को समय दिया और बहुत ही सारी चीज़ें बताई कि आज शहीदों की जो स्थिति है वो क्यों है ऐसी। मैं आपके चैनल से माध्यम से एक और चीज़ कहना चाहता हूं कि आप सब जो पत्रकार भाई बंधु यहां आए हुए हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आप स्कूलों में जाके एक सर्वे करो। स्कूल की प्रिंसिपल, टीचर, स्कूल के बच्चे, आठवीं कक्षा के हों, नौवीं के हों, दसवीं के हों, ग्यारहवीं के हों, बारहवीं के हों, आप उनसे जाके पूछो कि किन्हीं 10 शहीदों के बारे में उनके नाम हमें बताए जाएं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्कूल में आप जाएंगे तो कोई बच्चा आपको बता भी पाएगा या स्कूल की प्रिंसिपल से लेके बच्चों तक कोई आपको बता पाएगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े चौकों में बुत लगे हुए हैं भगत सिंह जी के। आप मेरे साथ चलिए, आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है, शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिवस है। यहाँ पे मैंने सुना है बहुत बड़े बड़े बुत लगे हुए हैं चौकों में, पार्कों में, तो आपके माध्यम से अगर हम वहाँ चलें तो लोगों से जाके पूछें कि आज के दिन हमारे देश के में एक सौभाग्य का दिन है, आज के दिन क्या हुआ था और आज किसका जन्मदिन है। तो आप सर्वे कीजिए, आप देखिए खुद जाके कि किसी को पता नहीं होगा कि आज शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिवस है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः। जी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे बीच थे सुखदेव जी के नाती विशाल नैयर जी और राजगुरु जी के भतीजे प्रशांत राजगुरु जी। दोनों के मन में बिल्कुल समान विचारधारा है और आज भी इस बात की कुंठा साफ नजर आई कि 91 साल हो गए शहीदों की शहादत को और आज तक उन्हें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। आज भी उन शहीदों पर आतंकवादी का ठप्पा लगा हुआ है और ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय को भी कचोटता है कि जिन्होंने भारत देश को, हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी शहादत दी, उन्हें शहीद का दर्जा नहीं मिला है। आगे ऐसे और कार्यक्रमों में हम कोशिश करेंगे कि ऐसे परिवारों से हम मिलवाएं आपको, ताकि आपको भी यथास्थिति और सच्चाई का पता चल सके। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ मैं हूं संतोष शर्मा।